बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क, मैं हूँ अली नियाज़ी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो 5 साल मदद है वो 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। तो इस ज़मन में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ उमर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है और अपने इस ख़त में उन्होंने 3 नाम तफवीज़ की हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम इस ख़त में शामिल हैं। और इस ख़त का मतन के मुताबिक मियाँ उमर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहा है कि ये शख्सियात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे के लिए मुनासिब और अहल हैं। चूँकि 6 दिसंबर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर बग़ैर किसी ताखीर के इन नामों को जो है वो कंसिडर किया जाए, इन नामों पर गौर किया जाए। इलावाजी ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के ओहदे ताहल खाली हैं, उनके लिए जो है वो उनके लिए भी जो है वो तकर्रियाँ की जाएँ। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर। लेकिन नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से, जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये ख़त लिखा है कि 3 नाम तफवीज़ की हैं और कहा गया है कि बग़ैर किसी ताखीर के इन नामों पर जो है वो गौर किया जाए, क्योंकि 6 दिसंबर को 5 साल आइनी मुद्दत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरी कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो हमारे पास मुख्तलिफ़ शहरों से ख़बरें हैं उनका कुछ अहवाल आपके सामने रखते हैं। फिरोज़वाला से हम आज पहली ख़बर शामिल करने जा रहे हैं, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है और बताया जा रहा है कि ये स्पेयर पार्ट्स जो हैं ये जाली स्पेयर पार्ट्स बना रहे थे। हमारे साथ मकसूर शाह होंगे, हम उनसे बात करेंगे। मकसूर शाह, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में। आज बात करेंगे किस तरह जालसाजी की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त होंडा कंपनी के जनरल मैनेजर साहब भी मौजूद हैं और उनकी जो पूरी टीम है वो आई हुई है, जो एक फैक्ट्री के अंदर होंडा के स्पेयर पार्ट तैयार किए जा रहे थे जो बिल्कुल गैर कानूनी थे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो दूसरी बात आपको बताते चलूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाया जी, होंडा के स्पेयर पार्ट बनाए जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, लेकिन जो कंपनी का असूल है उसके मुताबिक ये बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे। तो मैं अब बात करूँगा, मेरे साथ होंडा कंपनी की जो टीम है वो भी मौजूद है, मैं उनसे बात करेंगे। आज वो इंस्पेक्शन करने के लिए इन लोगों ने ये 2 नंबर जो होंडा स्पेयर पार्ट बनाए जा रहे थे वो पकड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनका क्या कहना है। जी, ये बिल्कुल हमने आके देखा तो ये इसका काउंटरफिट, ये इंजन का कवर बना रहे हैं जिस पर होंडा लिखा हुआ है, और ये फिर ये मार्केट में सप्लाई करते हैं उसको जो है ओरिजिनल बता के। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल जाली है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स तो नहीं बना हुआ और ना ही इससे कंपनी का कोई ताल्लुक है। जी बिल्कुल, जो होंडा कंपनी की तरफ जो पावर अटॉर्नी है वो भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करेंगे जी किस तरह जालसाजी की जा रही है होंडा कंपनी के साथ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जालसाज अनासर एटलस होंडा के नाम पे काम करते हैं, होंडा के ये पार्ट्स बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो आम फहम देखने वाला आदमी यही समझता है कि ये होंडा का ही माल है, जबकि ये माल जेली कापी करदा माल है, असल माल नहीं है, जिससे कंपनी की साख मुतासर हो रही है और कंपनी का लाखों करोड़ों का ये लोग नुकसान कर रहे हैं। बस हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मजीद जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन वहाँ तक भी जाएंगे और इस जालसाजी को रोकना है। मीडिया की मदद से, कानून नाफिज करने वाले उदाहरण की मदद से हम लोग बिल्कुल इनके खिलाफ हैं और किसी जालसाज को ये कभी इजाज़त नहीं देंगे कि एटलस होंडा के नाम पर वो जालसाजी करे और कंपनी का नाम बदनाम करे। इनके खिलाफ़ कार्रवाई ट्रेडमार्क की भी होती है, 4 साल कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जालसाजी करना 4 साल कॉपीराइट एक्ट है, तो वही कार्रवाई होगी इनके खिलाफ भी। जी बिल्कुल, होंडा कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जालसाजी के तरीके से जो होंडा के जो स्पेयर पार्ट तैयार कर रहे थे इनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। क्या मकसूद शाह, हमारे साथ आप मौजूद थे फिरोजवाला से और वहाँ की जो सूरत हाल थी वो आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन, बात करते हैं मियांवाली से, जहाँ पर कब्ज़ा माफिया ने माड़ी इंडस्ट्री कब्रिस्तान का रुख कर लिया है, कई एकड़ अराजी फरोख्त कर दी गई है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे अकरम नियाज़ी, उनसे हम तफसीलात देंगे इस बारे में। अकरम नियाज़ी, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को?
ماڑی انڈس اور ماڑی سٹی کے مقامی قبرستان یا قدیمی قبرستان ہے اس پر موجود ہوں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ قبضہ مافیا قبرستانوں کی زمینوں پر بھی قبضے کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ ماڑی انڈس کے معروف سماجی ورکر اعجاز خان اور جازی موجود ہیں. تو آئیے اس سلسلے میں سے بات کرتے ہیں. جی جی اکرم بھائی, واقعی لینڈ مافیا جو ہے قبرستانوں کا رخ کر چکا ہے اور انہوں نے کافی زمین پر قبضہ کر کے فروخت بھی کر دیے ہیں. انہوں نے ریلوے کے 146 نمبر تھا وہ ہمیں قبرستان کی طرف دے رہے ہیں محکمہ مال والے, اور قبرستان کا جو قیمتی رقبہ ہے وہ مالکی بنا رہے ہیں, اور جو مالکی بنجر زمین ہے ان کو قبرستان کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. ہمیں اب جو تھا 84 کنال ہمارا قبرستان کا رقبہ یہ خٹکواد کا تھا, کیونکہ موزہ ماڑی کا قبرستان تھا ادھر گئے, بقایا 275 کنال ہمارے ماڑی انڈس کا بند ہے. لیکن ہمیں وہ کبھی ادھر لے جاتے ہیں پیمائش کر کے, کبھی ادھر وہ ادھر جیل سازی کر رہے ہیں, اور محکمہ مال کے اہلکار ان لینڈ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کتنی زمین غائب ہے؟ تقریباً 40 سے 50 کنال زمین قبرستان کی غائب ہو چکی ہے, اور اسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ مکان وغیرہ جو ہیں ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ملحقہ قبرستان کے, یہ بھی قبرستان کی اراضی ہے, یہاں سے روڈ بھی بیچ میں ہیں, لیکن پٹواری ہمارے ساتھ صحیح جو ہے نا کاروائی نہیں کر رہے, کیونکہ قبرستان رفاع عامہ کا رقبہ ہوتا ہے, اور رفاع عامہ کا رقبہ یہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا کسی کے نام انتقال کرایا جائے. اب یہ پرانے نمبر جو تھے 740 741 1182 1182 یہ قبرستان کے تھے, جو پرانا لٹھا تھا استعمال کے بعد وہ پھٹ گیا, اور پٹواریوں نے ایسا کیا کہ نیا لٹھا بنایا, اور نئے لٹھے میں ٹیمپرنگ ہوئی پڑی ہے, ہمارے پاس اس کے پروف موجود ہیں, ہم دکھائیں گے. جی آپ نے سن لیا ہے کہ کیا کرنے عزیز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. لیاقت پور سے راضین ہم بات کریں تو وہاں پر یوٹیلیٹی اسٹور پر ضروریاتی اشیاء کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے. اس سے قبل وہاں پر شیخ رونوش کے سامان نہ ہونے کی اطلاع تھی, اور ہم نے آپ تک یہ خبر بھی پہنچائی تھی. ہمارے ساتھ ایاز اکرام ہے وہاں سے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ایاز آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ لیاقت پور کے مین یوٹیلیٹی اسٹور پر یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ چند روز قبل یہاں پہ ہم نے خبر دی نیوز نے نشر کی تھی, یہاں پہ ایشیا خوردنوش کی کمی تھی, جن چیزوں پہ گورنمنٹ نے سبسڈی دی تھی وہ یہاں پہ سرے سے موجود ہی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی یہ خبر دی نیوز نے نشر کی اس کے بعد فوری اس پہ ایکشن ہوا, اور یہاں پہ وہ چیزیں ساری مہیا کر دی گئیں جو یہاں پہ موجود نہیں تھی, جن میں گھی, چاول, دالیں, آٹا اور روزمرہ استعمال کی چیزیں تھیں. یہاں پہ ایک شہری موجود ہے, ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کو یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. جی بتائیے گا. یوٹیلیٹی اسٹور میں ہر چیز مہیا ہے سر, چینی بھی ہے, چاول بھی ہیں, پتی بھی ہے, گھی بھی ہے, باقی جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ سب مل رہی ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. دن نیوز کی خبر کے بعد جو ہے نا ایکشن کیا گورنمنٹ نے, اور یہاں ہر چیز مہیا کر دی گئی اسٹور پہ. ہم دن نیوز کے بہت مشکور ہیں. جی ان کا کہنا ہے کہ ہم دی نیوز کے بہت مشہور ہیں جس کی خبر پہ ایکشن ہوا, اور یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے ایشیا خوردنوش مہیا کر کے. بہت شکریہ آپ کا ایاز اکرام, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین پیر محل سے ہم بات کرتے ہیں, جہاں ناروے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں میاں اکرام, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اکرام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بالکل اس وقت میں موجود ہوں پیر محل کے مین چوک اللہ والا چوک میں موجود ہوں, جہاں پر ناروے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے, جہاں ایک کتے نے قرآن پاک, ہماری پاک کتاب قرآن پاک کو جلایا ہے, اس کی توہین کی ہے. اسی سلسلے میں پیر محل میں بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. ریلی میں لوگوں نے شرکا نے بینر, پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے, جہاں پہ ناروے کے خلاف نعرے درج تھے, تو ناروے مردہ آباد کے نعرے درج تھے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, شہریوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں مزید کیا چاہتے ہیں. عالمگیر صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی بھائی بتائیے گا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود کیا ہے, ہم صرف اپنے قدم جو لے کر اٹھے تھے, ہمارے قدم اس وجہ سے اٹھے ہیں کہ ہم جنت کے حصول کے لیے آئے ہیں, اور اس احتجاجی ریلی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حصول نصیب عطا فرمائے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر قرآن کی وجہ سے مسلمان ہیں, اور قرآن کی وجہ سے ہمیں انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی. پوری دنیا کے مسلمان قرآن سے محبت رکھتے ہیں, یہ کافروں کا, یہودیوں کا یہ تکبر, یہ غرور عنقریب خاک میں ملنے والا ہے.
انشاءاللہ العظیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی قسم پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، کیونکہ چیچن سے لے کر کشمیر تلک جنگ ہماری جاری ہے۔ اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، میرپور اور وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے۔ ناظرین، میرپور مسئلے سے ہم بات کریں گے، جہاں پر ہندو جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 12 ہندو جوڑوں کی شادیوں کی تقریب یہ ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے، جعفر حسین ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو 12 ہندو جوڑے جن کی شادی کی تقریب ہوئی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ ہندوؤں کے روحانی پیشوا جو ہیں ان کی جو بندھن میں باندھ دیا گیا ہے شادی کی تقریب کے دوران، ہمارے ساتھ ہوں گے جعفر حسین۔ جعفر حسین، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلو کے شدانی دربار میں، جہاں سے بھارت سے آئے ہوئے 51 یاتری جو ہیں وہ یہاں کے جو ہندو برادری کے روحانی پیشوائیں یدھیشٹھر لال کی سربراہی میں اس وقت جو ہے میرپور ماتھیلو پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہاں کے جو ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ سالہ سال ترستے ہیں یہ دن دیکھنے کے لیے، اور آج کے دن ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں پر جو ہے 12 جوڑوں کی جو ہے وہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور شادیوں میں جو ہے پورے سندھ سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ عقیدت مند اور جو ہے وہاں یہاں کے ہندو برادری کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے یہاں کے جو ہندو برادری ہے وہ اس دن کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ ان کے جو مرشد ہیں، ان کے جو پیر ہیں جو بھارت سے ہر سال آتے ہیں، وہ اسی سال آئیں اور اسی دن جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں۔ ہمارے ساتھ یہاں کے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں بتائے گا کہ آج کے دن آپ اپنے بچوں کی شادیاں کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے گرو جی آتے ہیں، ہم آشیش ان سے لیتے ہیں کہ ہمارا جوڑا شادی کرے گا گرو جی کی دیکھ بھال میں تو ساری زندگی وہ خوش رہیں گے، اور ہم اس کو جو ہے ہمارا دکھ بھی جو ہے کلیش آتے ہیں کٹ جاتے ہیں۔ 12 مہینہ جو ہے ہم تڑپتے ہیں، تو ہمارے گرو جی آئیں گے اور ہمیں آشیش دیں گے، ہمارے بچوں کو دعاؤں دیں گے اور ہمیں خوش کر کے جائیں گے۔ ابھی جو ہے 1978 سے سدگرو سنت گوبند رام صاحب جی نے اشٹم جوت نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اور ابھی تک یہ نوم جوت آئے ہوئے ہیں 1978 سے، ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ادھر سے لوگ آتے ہیں اپنے بھائیوں سے دوستوں سے مل کے، اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں ادھر سے اپنے رشتہ دار سے مل کے، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور ادھر جو ہندو بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہندو ہیں وہ کیسے بیٹھے ہیں۔ اور بالکل ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے بھارت سے آئے ہوئے ایک یاتری بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ جی آپ ہمیں بتائے گا کہ یہاں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں بہت اچھا، میں ستیش بادوانی رائے پور کا رہنے والا ہوں انڈیا کا، ہمیں یہاں کی بڑی پرسنتا ہوتی ہے، ہمارے رشتے دار ہمارے، میں یہاں پر سائیں جن کی سیوا میں بھی ہوں، اور میں اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کی شادی اور جنیو پہ بھی آیا ہوں، یہاں پر جو پیار محبت ملا ہے بڑا ہی پیارا۔ جعفر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، اور میرپور ماتھیلو کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین، آگے والا سے ہم ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے۔ اسموگ اور ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے ایک واک کا اہتمام کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہمارے رپورٹر عتیق کی ایک رپورٹ ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ زیر اہتمام حادثات کی روک تھام کے لیے عوام میں ٹریفک قوانین اور سموگ اور فوگ کے بارے میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک بورے والا روڈ سے شروع ہو کر ریلوے فاٹک تک کی گئی۔ واک میں ڈی پی او پاک پتن صاحبزادہ، بلال عمر چیئرمین اوورسیز کمیٹی پاک پتن چوری، عامر ابراہیم، ڈاکٹر رعوف الوی، ڈی ایس پی غلام محمد جٹ، وکلا ریسکیو 1122 انچارج محمد رضوان اور ریسکیو سٹاف، سکول اور کالج کے بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او پاک پتن صاحبزادہ بلال عمر نے کہا، تو ہماری یہ واک آگاہی کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے اس واک کے حوالے سے رات کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے، شام کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے خاص طور پہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنائیں، اور موٹر سائیکل پر جو بچے اور فیملیز کے ساتھ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یہ ماسک کا استعمال کریں، اور شام کو اس حوالے سے احتیاط کریں، ڈرائیونگ اسپیڈ جو ہے وہ کم رکھیں، ریفلیکٹر لائٹیں جو ہیں خاص طور پہ ٹرالی جو کہ کمات لے کے جا رہی ہوتی ہیں یا باقی ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان کے اوپر لدے ہوتے ہیں
उसके कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह लगाएं, कोई लाइटें ऐसी हो जिसमें यानी फॉग के अंदर चीज़ें जो है वो बाकायदा तौर पर नजर आ सके। मैं ये बता दूं कि मौजूद माशरों में कानून का एहतराम किया जाता है और ट्रैफिक के कवानीन आपके जो है वो जान माल यानी तहफ़ के लिए जो है वो बनाए गए हैं। मेरी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वकला मौजूद हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पॉलिटिशन मौजूद हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि इसमें हमारी मदद करें ताकि हम अपने शहर को आरिफ वाला को यानी सिक्योर और यहाँ पे लोगों को जो है वो तहफ़ फराम कर सकें ट्रैफिक की कवानीन के बाद। वॉक के अहतमाम पर बार एसोसिएशन मेंबर मियां एजाज बट्टू एडवोकेट ने कहा, इसलिए उसको उनको रिक्वेस्ट किया कि आरिफ वाला में भी एक स्कूल सिस्टम जो है वो तश्कील दिया जाए, ड्राइविंग स्कूल सिस्टम, जिसमें इधर के लोगों को भी फ़ायदा हो। और उम्मीद इंशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट पे अमल होगा और इसमें ओवरऑल हमारी पूरी जो तहसील आरिफ वाला है सबका फ़ायदा होगा। जी शुक्रिया। वॉक के दौरान लोगों में मास्क तकसीम किए गए जबकि आवाम की तरफ से वॉक के साथ साथ अमली इकदाम करने पर भी जोर दिया गया ताकि आरी वाला में ट्रैफिक जो कवानीन है उन पर मुकम्मल अमल करवाया जा सके। मोहम्मद अतीक न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अतीक की रिपोर्ट आपने देखी है आरिफ वाला से। अब एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे विहाड़ी से, जहाँ पर ज़िले इंतजाम की गफलत की वजह से लुडन एक तहसील है विहाड़ी की, जहाँ का एक पार्क जबू हाले का शिकार है। इस पार्क के क्या हालात हैं, जफर इकबाल की रिपोर्ट है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। लुडन का वाहिद अकलौता पार्क नाज़रीन प्रोग्राम में हम यहाँ पर शामिल करते हैं समंदरी से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इस क्रैकडाउन का अहवाल जानते हैं सादिक अली से। सादिक अली, क्या बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री शहर में, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की जानिब से शहर में जितने भी मुनाफाखोर हैं जो कि नजायज मुनाफा कमा रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है आज जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मसनू महंगाई जो है वो फैलाई जा रही है। अगर फर्ज करें एक चीज़ की कीमत 150 रुपये नोटिफाइड है और वो 200 या 225 दी जा रही है, तो हम ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जो कि नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं बड़ी सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का विजन बड़ा क्लियर है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब मोहम्मद अली साहब उनकी तरफ से भी बड़ी सख्त हदायात हैं। कल भी हमने रेड किया है और सिर्फ ये नहीं कि समुद्री शहर में, पूरी तहसील में कर रहे हैं। कल हमने समुद्री शहर में भी किया और अड्डा मरीदवाला में 4 हमने पर्चे दिए हैं और 50,000 फाइन किया है। अभी भी 3-4 लोग हमने पकड़े हैं जो कि महंगी चीज़ें बेचे थे, इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सर, क्या इनको आप फाइन कर रहे हैं या गिरफ्तार करके क्या और भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ज्यादा मुनाफा? जी बिल्कुल, फाइन भी हो रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी, डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। सर, ये फाइन जो है कितनी क्वान्टिटी के हिसाब से आप लोग? ये जी डिपेंड करता है वायलेशन के हिसाब से, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी और 50,000 भी। सर, अभी तक जो आपने 2 दिन की कार्रवाई जैसे कर रहे हैं, आपने कितने FIR और कितने फाइन? ये जी मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 4 पर्चे दिए हैं और 50,000 जो है ना वो फाइन किया। जी, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की जबानी आपने सुना है, अली नाजी, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी सिटी में मुनाफाखोर के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है, फैसल सुल्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये कोई भी जो भी मुनाफाखोर समुद्री में नाजायज काम कर रहे हैं। हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप आगाह कर रहे थे, आपने वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन को बताई है। करोड़ लाली सेंस नाज़रीन हम बात करते हैं, जहाँ फतेहपुर के एक कॉलेज में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। इस स्पोर्ट्स गाला का अहवाल हम लेंगे, अनवर शाह हमारे साथ हैं। अनवर शाह, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जिसम ही सेहतमंद दिमाग रखता है, इस हवाले में तलबा की निसाबी सरगर्मी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। इस सिलसिला में फतेहपुर की निजी कॉलेज CMA कॉलेज की जानब से 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला का अहतमाम किया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और दीगर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इस वक्त तलबा का जोश भी बहुत दीदनी है। इस वक्त मेरे साथ एक तलबा भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बच्चे, बताइएगा आप कौन से खेल में हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं क्रिकेट का कप्तान हूँ और क्रिकेट में हिस्सा ले रहा हूं, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस और मैं कबड्डी का भी कैप्टन हूं और मैं खेल रहा हूं।
जी बिल्कुल, ये कहना था तलबा का इस हवाले से। हमारे साथ इदारे के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि इस तलबा की निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जिसमानी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं, तो इस हवाले से क्या जी कहना चाहेंगे? शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो निसाबी सरगर्मी भी आपको पता है कि हमने बोर्ड में पोजीशन ली है, और उसके साथ जो हमारी दीगर जो गैर सरगर्मियाँ हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सालाना स्पोर्ट्स गाला स्टार्ट हुआ है आज, और ये 3 दिन का हमारा इवेंट है, तो इंशाल्लाह हम ये जी बिल्कुल ये बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आप मौजूद थे अनवर शाह, और आपने वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन, हम जतोई से बात कर लेते हैं, जहाँ पर वापडा एहलकार ट्रांसफार्मर को मेन शाहराह पर रख कर है, ऐसा मालूम होता है कि भूल गए हैं, क्योंकि एक अरसा हो चुका ये ट्रांसफार्मर मेन शाहराह पर मौजूद है और इसे वहाँ से हटाया नहीं गया है। वज़ीर अहमद मलिक हमारे साथ है। वज़ीर अहमद, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में। वापडा की जानब से यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर मेन शाहराह पर रख दिया गया है, जो कि अरसा दराज पर यहाँ पर रखा हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इर्द गिर्द स्कूल भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों का यहाँ से गुजर होता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, यहाँ पर तहसील जतोई के अंदर ये वापडा की नाहली है, जो इस वक्त सड़क के ऊपर, यहाँ मेन रोड के ऊपर कुछ भी फासले के ऊपर ये रखा गया है। ना सिर्फ उनकी बल्कि टीएमए की भी नाहली है यहाँ पर। टीएमए ने यहाँ पे तमाम, आप लोग देख सकते हैं कि गंद खराबा यहाँ पे फैलाया हुआ है, और 15-15 दिन वो उठाने नहीं आते। मेन ख़तरा जो हमें यहाँ से है वो ये प्रॉब्लम है कि 2 प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, छुट्टी के वक्त कोई इनको रोक नहीं सकता। कड़े पहरे के अंदर हमें उन बच्चों को यहाँ से गुजारना पड़ता है कि अगर किसी का हाथ यहाँ पर लग गया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जामा मस्जिद भी मौजूद है, नमाजी रात को बुज़ुर्ग हजरात भी आते जाते रहते हैं, बारिशों का मौसम होता है, उनको बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात के वक्त बुज़ुर्गों को नज़र भी थोड़ा कम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा, किसी वक्त भी कोई ख़तरा साबित हो सकता है। हम वापडा से पुरजोर इल्तमास करते हैं कि जल्द अज़ जल्द इसको अपनी जगह पर रखा जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो। हम पुरजोर इल्तमास करते हैं कि इसको अपनी जगह पर रखा जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना, इनका कहना है कि वापडा की नाअहली की वजह से कोई भी। ठीक है, वज़ीर अहमद मलिक हमारे साथ आप मौजूद थे जतोई से, और आपने वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। टोबा टैक्सी से नाज़रीन बात करते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार शुएब अनवर कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहसिन रशीद ने खुली कचहरी लगाई है। इस खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने गए हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर मियाँ मुअज़्ज़म अली। मुअज़्ज़म, अब क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मौजूद हूँ टोबा टैक्सी में, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनका किया गया है, जहाँ पर DPO वकार कुरैशी, DCO टोबा टैक्सी ने लोगों के मसाइल सुने और फौरी तौर पर अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहसिन शर और DPO वकार कुरैशी का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुली कचहरी का इनका किया गया है, ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया हो सके। डिप्टी कमिश्नर और मोहसिन रशीद ने लोगों को मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया। DPO वकार कुरैशी का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक लोगों को। ठीक है मौज़्ज़म अली, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। घोटकी से नाज़रीन बात करते हैं, जहां महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर घोटकी ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया है। मोहम्मद अली मलिक वहाँ से हमारे साथ है। मोहम्मद अली मलिक, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, ज़िला भर में मसनूई महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर घोटकी की ऑफिस में इजलास मुनक्की हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदारों, मार्केट कमेटी के अमलदारों और दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद खालिद सलीम ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों को महंगाई की आड़ में अशिया खुर्द नोश की कीमतें खुद से बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दुकानदारों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। मसनूई महंगाई पर कंट्रोल करना और आवाम को रिलीफ देना ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है, इसलिए ज़िला भर में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदारों को हदायत की है कि वो सब्ज़ी मंडियों में फ्रूट व सब्ज़ी की नीलामी की सख्त निगरानी करें, और सब्ज़ी मंडियों से बाहर सब्ज़ी या फ्रूट फरोख्त करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि दुकानदारों के कांटे भी चेक किए जाएँ। और इन्होंने मार्केट कमेटी के अमलदारों को भी सख्ती से हदायत की है कि ज़िला भर के दुकानदारों को पाबंद बनाया जाए कि अशिया खुर्द नोश की सरकारी कीमतों पर। मोहम्मद अली मलिक हमारे साथ आप मौजूद थे घोटकी से, और अब वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे।
ناظرین ہم ڈھرکی سے بات کریں گے جہاں پر سخی وارث خان شرال پاکستان گھوڑا ریس کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں کا احوال ہم لیں گے زید خان سے۔ زید خان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈہر کی میں، یہاں پر سخی وارث ڈنو خان شر گھوڑوں کی ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر پورے پاکستان سے گھوڑے آئے ہیں، وہ کل اس ریس میں حصہ لیں گے۔ تقریباً 200 سے زائد گھوڑے کل کی ریس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شائقین موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ اس ریس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم جناب ممتاز شر صاحب نے، ادھر آتن شر صاحب اور اس کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی جو ہے سنت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ میلہ منعقد کروایا ہے۔ اس میں پورے پنجاب، سندھ، بلوچستان، سارے ملک سے گھوڑے آئے ہوئے ہیں۔ تقریباً 250 گھوڑے جو ہیں کل ریس میں حصہ لیں گے۔ اس میں جو ہے ہماری سندھ کی ثقافت کے لحاظ سے جو گھوڑا جیتا ہے اس کو، اپنے گھوڑوں کو اجرک اور مالک کو ٹرافی دی جاتی ہے۔ یہ اچھا جو ہے ہمارا ثقافتی شو ہے، اس کو ہر جگہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے تو اس کو جو ہے پروموٹ کریں آگے، جو اس گھوڑے کی نسل جو ہے ہمارے سندھ میں افزائی ہو، نسل کی افزائی ہو، ورنہ یہ شوق جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں سارے شوقینوں کو اس ریس میں حصہ بھی لیں، آگے جو دوسری جگہ پہ میلے منعقد ہوں اس میں بھی آ جائیں۔ یہ بہت اچھا شغل ہے، ہم تو سالوں سے ادھر آ رہے ہیں، مرحوم وارثن و شر کے دور سے آ رہے ہیں، سارے گھوڑے ادھر حصہ لے رہے ہیں، ہمارے گھوڑے چینج ہو رہے ہیں لیکن جو شوقین ہیں وہ الحمدللہ سارے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ کل کی ریس میں حصہ لینے والا ایک گھوڑے کا سوار بھی موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کل کی ریس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم گھوڑوں کو انشاءاللہ کل ریس ہوگی، یہاں سارے شوقین، سارے سردار، پورے پاکستان کے سردار اور شوقین آتے ہیں میل میں۔ یہاں جو جس کا بھی گھوڑا جیت جاتا ہے ہم اس کو اجرک تو انعام پر تحفہ پیش کرتے ہیں، اور سوار کو کیش انعامات بھی دیتے ہیں اور مالک کو ٹرافی بھی دیتے ہیں۔ جی یہ ہمارا تھا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر جو گھوڑے آئے ہیں کل یہاں پر دوڑ لگے گی اور یہاں پہ حصہ لیں گے۔ اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کل میرا گھوڑا اس ریس کا سکندر بنے گا۔ خان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ڈھکی کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ جنڈیالہ شیر خان سے ناظرین ہم بات کریں گے، جہاں بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہے عظمت علی، ہم ان سے احوال جان لیتے ہیں۔ عظمت علی کیا کہتے ہیں جنڈیالہ شیر خان کے لوگ حکومتی پالیسیوں کے بارے میں؟ بالکل، حکومت کی جانب سے یکے بعد دیگرے مہنگائی میں اضافے کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور دوسری جانب بجلی کے بلوں میں مسلسل اضافے کے بعد شہری سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ ہمیں پہلے 500 روپے بل آ رہا تھا، ابھی 500 سے بڑھا کر 2000 کے قریب بل آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان تھے، اب بجلی کے بلوں میں سبسڈی ختم کرنے کے بعد شہری مزید سراپا احتجاج ہیں۔ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ شہری موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی بتائیے گا، جو مسلسل بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر تبدیلی سرکار تو اسی بڑے پریشان ہیں، ہر مہینے بل ودھا جا رہا، پہلے مہینے 500 روپیہ بل آتا سی پہلوں، ہوں ہر مہینے 2000 روپئے تو تھلے بل نہیں، ساری بجلی وہ ہی استعمال اِسی کر رہے ہیں، اِسی بہت پریشان ہیں انہوں چیزوں تو، ہر چیز ودھ ہی جا رہی ہے، ہر سبزی، چینی، ہر شے، اس چیز تو اِسی بہت پریشان ہیں۔ جو تبدیلی سرکار نے سارے وعدے کیتے وہ سارے وعدے پورے کیتے جان۔ تو اس حوالے سے آپ حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بلوں میں کمی کی جائے، جو ریلیف دیا جائے ماڑی غریب لوگوں کو نا، ریلیف دیا جائے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تبدیلی سرکار کی جانب سے اقتدار سے پہلے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ مزید عظمت علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جنڈیالہ شیر خان سے، اور وہاں کی صورتحال کچھ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین قوالیہ سے بات کرتے ہیں، جہاں پر قوالیہ کے ایک اسکول کے پرنسپل اور ٹیچر نے ساتویں کلاس کے طالب علم پر بہیمانہ تشدد کیا ہے، اور اس تشدد کے نتیجے میں والدین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ملک عابد اسلم ہمارے ساتھ ہیں، عابد اسلم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟
जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान के मार नहीं प्यार के जो नारे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं। ऐसे पड़ेगा पंजाब तो कैसे पड़ेगा पंजाब। कमालिया शहर का एक बहुत मशहूर स्कूल जिसको लिटिल एंजल स्कूल के नाम से जो है जाना जाता है, तो वहाँ पर जो है छोटे बच्चों पर बेहमाना तशद्दुद करने के जो वाकयात हैं वो सामने आ रहे हैं। एक बच्चा जिसको इंतज़ामिया ने मिलकर और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी जो है आपस की लड़ाई का जो है वो बच्चे के ऊपर जो गुस्सा निकाल दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ वो लिटिल एंजल का स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया और किस तरह उसको जो है मारा गया। जी बताइए। मेरा नाम हुमायूं है, मैं लिटिल एंजल एलिमेंट्री स्कूल कमालिया में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल गया था, उन्होंने मुझे टीचरों ने मारा है। उन्होंने मेरा कसूर भी नहीं बताया और वह उन्होंने बिला वजह मुझे पीटते गए। उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि ये सातवीं क्लास का जो स्टूडेंट है, तो ये हुमायूं सुहेल उसका नाम है, इसके पूरे जिस्म पर डंडे के साथ जो है तशद्दुद किया गया है। इस बच्चे का वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इसके बच्चे के ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो उसके बाद इनको कैसे पता चला और कैसे इन्होंने जो है फिर उसके ऊपर एक्शन लिया। जी मैं जी सुबह जब बच्चा स्कूल जाने लगा है ना, तो हमने इसके देखा है जिस्म पे डंडों के निशान थे। मैंने पूछा बेटा ये क्या हुआ, तो बोला टीचर ने मारा है। हमने कहा तो उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी अगर, मैंने कहा कि टीचर ने कहा कि अगर घर जाके बताया तो सुबह और मारूंगे। तो लेकिन फिर भी मैं ना अपनी वाइफ को और अपने भाई को और अपने एक दोस्त को लेके स्कूल गया हूँ। जाके स्कूल इंतजामिया से बात की है, उनसे पूछा है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा है, तो वो आगे से इनकारी हो गए। कहते जी हम क्यों बताएं आपके बच्चे को क्यों मारा है, आपसे जो होता है कर लें, आप अपने बच्चे का सर्टिफिकेट ले जाए। मैंने कहा कि आप ऐसा करें टीचर को बुलाएं। ठीक है मलिक आबद असलम, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन शेखपुरा से बात करते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस उरूज पर हैं और वहाँ पर तमाम इलेक्शंस की तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई हैं। हमारे साथ हैं अमजद अली सुल्तानी। अमजद अली सुल्तानी, क्या बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेहूपुरा के इलेक्शन की, तो उसमें गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज उम्मीदवार बराए सदर सैयद नईम शाहद, उनकी हिमायत का ऐलान किया है राणा इकबाल अहमद खान साहब और उनके साथियों ने। हमारे साथ मौजूद हैं सदर बार राणा जाहिद महमूद खान साहब, हम इनसे जानते हैं मजीद इस हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आज मुबारकबाद देता हूं सैयद नईम शाहिद साहब को, जो उम्मीदवार बराए सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा, क्योंकि आज उनकी फतह यकीनी हो गई है और हमने अपना पेपर वर्क और होम ग्राउंड का वर्क कंप्लीट कर लिया है। आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट ली है, जिसमें हमारी बार के बहुत बड़े बुजुर्गान और जिनके अपने चैम्बर्स हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राणा मोहम्मद आजम साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं राणा मोहम्मद इकबाल अहमद खान साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी मुनव्वर हुसैन विरक साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुनव्वर शाहिद विरक साहब का और आपने गिल साहब का और दूसरे अहबाब का जिन्होंने आज अनाउंसमेंट की है। इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं समझता हूँ कि शाह साहब की जो इलेक्शन में पोजीशन है वो बड़ी मजबूत हुई है। इनके पीछे इनके 20-20 50-50 जूनियर साहबान हैं और इनके मानने वाले हैं, इनके साथ चलने वाले हैं। आज अल्लाह पाक के फजल से नईम शाहिद की जो पोजीशन है वो यकीनी फतह वाली होगी है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि आज की अनाउंसमेंट से जो है इनका सैयद नईम शाहिद साहब का इलेक्शन जो है वो क्लियर होता दिखाई दे रहा है। ये कहना है मौजूदा सदर बार का। सैयद नईम शाहिद साहब भी मसद मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कामयाब होने के बाद वो वकला के लिए क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद अली सुल्तानी हमारे साथ आप मौजूद थे, हम यहाँ पे इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन यहाँ पर आप ले रहे हैं एक वक्फा, वक्फे से आएंगे वापस तो मज़ीद शहरों से अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ आइएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन हैदराबाद से हम बात करते हैं, जहां पर हैदराबाद और लतीफाबाद से कराची के लिए सफरी सहूलियात ना होने के बायस अवाम शदीद परेशानी से दो चार हैं। हमारे साथ वहां से अदील रजा अब्बासी होंगे, हम उनसे बात करेंगे। अदील रजा अब्बासी, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को।
दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के सबसे बड़े तालुके यानी लतीफाबाद के अंदर, और आपको ये बताते चले कि लतीफाबाद के जो शहरी हैं उनको जो है सफरी सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। इस वक्त भी हाँ आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो है मौजूद हैं 7 नंबर में। यहाँ से कुछ दिन पहले तक जो है यहाँ से कराची के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो होती वैन वगैरह होती हैं, जो कारें वगैरह होती थी वो जाया करती थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर जो कारें वगैरह जो कराची जाया करती थी या जो वैन वगैरह जाया करती थी उनके जो छोटे मोटे जो 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 भी यहाँ से चला करती थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आवाम को जो है बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का सामना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है और ये कराची जाने के लिए अपने घर से तो निकल के आ गए हैं, इनको कराची जाना भी है, लेकिन अब यहाँ पर जो है कराची जाने के लिए कोई भी किसी भी किस्म की सफरी सहूलियात ना होने की वजह से ये परेशान खड़ी है। इनसे हम बात कर लेते हैं। जी बिना बताएंगे कि क्या मसला है, आप यहाँ पे गाड़ियाँ आपको क्यों मिल नहीं रही हैं, कि क्या क्या मसला है, कहाँ से आई हैं और आप कहाँ जाना है? ये हम तो कराची जाने के लिए इधर आए हैं, लेकिन रोज़ का ही ये मसला है। तकरीबन एक आध हफ्ता यहाँ से तकरीबन गाड़ियाँ जाती हैं सही तरीके से, बाकी ये फिर रोज़ का ही हमारे लिए मसला परेशानी का बायस बनता है ये हमारे लिए। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ दो दो तीन तीन घंटे गाड़ियों का वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ आते हैं बैठते हैं गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी समझ लें, अब हमारे लिए ऐसा है अजाब बन गया है ये। ठीक है, अच्छा जी आपने सुना, बिल्कुल इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है कई दफ़ा जब ये आते हैं तो गाड़ियाँ इनको नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रज़ा अब्बासी हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन चित्राल से हम बात करें तो चित्राल में हम आपको दिखाते हैं वादिये एवन में एक मेजर रिटायर शहजाद खुश अहमदुल मलिक ने एक ऐसा बाग बनाया है जिनमें मौसम खजा में पत्तों का रंग नहायत खूबसूरत रंगों में बदल जाता है और कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की स्याह जो है यहाँ पर इस गार्डन को देखने के लिए पहुँचते हैं। गुलहमाद फारूकी हमारे साथ होंगे, गुलहमाद क्या बताएँगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं सरजमीन अयून के फाल कलर गार्डन में खड़ा हूँ। ये वो बाग है जिसको मरहूम मेजर रिटायर शहजादा खुश अहमदुल मलिक ने बड़ी मेहनत से लगाया था। शहजादा के ए मुल्क की ख्वाहिश थी कि चित्राल चूँकि एक खूबसूरत जिसको फूलों का शहर कहा जाता है, तो मौसम खजान में इसकी रंग बदल जाती है, जब सर्दी पड़ती है तो पत्ते जल जाते हैं, तो उसने मुख्तलिफ ममालिक से जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका दीगर कई ममालिक से उसने ऐसे ऐसे पौधे यहाँ पे लगाए कि वो मौसम खजान में भी खूबसूरत लगे और इस सीज़न में इस पत्तों का जो रंग है वो ऐसा तब्दील हो जाता है कि टूरिस्टों को कैच के लाता है। तो शहजादा मरहूम की ख्वाहिश थी कि चित्राल की मौसमी बहार में अगर टूरिज़म उरूज पर हो तो मौसम खजान में भी लोग मायूस न हो और मौसम खजान में भी यहाँ की जो पत्तों के रंग है जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती को देखने के लिए सयाह आएँ। इस वो जी हमारे साथ शहजादा साहब का जो हो साथी है पुराना यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ वो वाबस्ता है, पूछते हैं जी आपका तारुफ और कितने सालों से शहजादा से वाबस्ता है, नाम क्या है? जी मेरा नाम इमदादुल्ला है, मैं पिछले 15 सालों से शहजादा साहब के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस बाग के बारे में बता दें कि जब शहजादा मरहूम साहब जिंदा थे तो वो उसका कैसे ख्याल रखता था? जी जब वो जिंदा था तो वो रोज़ाना सुबह शाम यान चक्कर लगाता था और ख़ास मालियों को ताकीद करता था कि इस बाग का ख्याल रखा जाए, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये था कि जब खजान हो जाए रंग बदल जाए पत्तों के तो टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाए ताकि इसकी टूरिज़म ताकि तरक्की कर जाए और लोगों को रोज़गार भी मिल जाए, इसकी यही ख्वाहिश था। और रोज़ाना उसकी देखभाल करता था, सुबह आता था शाम आता था और ख़ास ताकीद का खुद चक्कर लगाता था, खुद कामों का निगरानी करता था, उसकी ख्वाहिश। गुलहमाद फारूकी हमारे साथ आप मौजूद थे चित्राल से और आप वहाँ की सूरत हाल हमारी नाज़रीन के सामने रख रहे थे। नाज़रीन पाक पतन से अगवा होने वाला नौजवान का सुराग जो है वो नहीं लगाया जा सका है और उसको तलाश करने में जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो पुलिस है वो तो कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। सबीउल्लाह की रिपोर्ट है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। के गांव बाइलगंज में रकम की वापसी के मुतालबे पर नौजवान को अगवा कर लिया गया। दो रोज गुजरने के बावजूद नौजवान बाजियाब ना हुआ तो लवाहिकीन सैकड़ों बच्चों और देहातियों को लेकर सड़कों पर निकल आए।
مغوی نوجوان کے ورثہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملزمان نوجوان کو قتل کر دیں گے۔ نالہ حکام اگے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ساڈا بھائی سانو بازیاب کرا دیتا جائے۔ انہاں اغوا کر لیا ہے، رات دے اسی پھر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ماں باپ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی نے ساڈی کو سڑدا ہی لئی ہے۔ پیسے لون گیا ہے گا نا تے اگو او جناب ان دے ہتھی پکے ہوئے نا تے اونوں جناب جڑا لے تے غائب کر دیتا انہیں۔ ایف ایچ او تھانہ چک بیدی کا کہنا تھا واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ڈیٹا بھی لے رہے ہیں ہم، اور باقی جو ہے وہ ملزموں کو جو انہوں نے کہا ہے ان کو انکوائر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہی کوئی پیش رفت ہو جائے۔ رمسی نڈال ورثہ نے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے نوجوان کو بازیاب کروایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹ دیکھی آپ نے پاک پتن سے سمیع اللہ کی۔ ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔